बता दें विश्व भर में 29 सितंबर का दिन विश्व हृदय दिवस के अवसर पर जगह जगह पर तमाम कार्यक्रमों को आयोजित कर लोगों को हृदय रोग से बचाव के कई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। यूपी के फिरोजाबाद सीएससी सिरसागंज पर एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कैंप लगाकर लोगों को जानकारी देते हुए सीएससी के डॉक्टर महेश शर्मा ने हृदय रोगियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स देते हुए बताया कि आज के समय में युवाओं में सबसे अधिक हृदय रोग की संख्या देखी जा रही है कि बदलती लाइफस्टाइल की वजह से जहां 50 साल के बाद हार्ट अटैक देखा जाता था तो आज 25 से 40 के बीच युवाओं में हार्ट अटैक की बीमारी का महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा कारण उनकी लाइफस्टाइल दिनचर्या बहुत गंदी हो चुकी है। खान पान बहुत ही खराब है, फास्ट फूड जंक फूड जैसी चीजों का प्रयोग करना, शरीर में व्यायाम की कमी होना, नींद पूरी नहीं होना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इत्यादि प्रयोग करना तमाम प्रकार की समस्याएं युवाओं में हृदय रोग को लेकर सबसे अधिक देखी जा रही हैं। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि कैंप में 15 से 20 मरीजों को देखा जा चुका है और बराबर मरीजों के आने का क्रम जारी है। इस दौरान डॉक्टर महेश शर्मा ने लोगों को जागरूकता को लेकर कहा कि स्वयं ही लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना है, जिसको लेकर 6-7 घंटे की पर्याप्त नींद भी लेना, भोजन के में हरी भरी सब्जियां खाना, जंक फूड फास्ट फूड से बचे रहना, वहीं सुबह उठकर व्यायाम करना, अपनी अन्य हेल्थ लाइफस्टाइल से बाहर आते हुए सुबह से क्रियाएं ऐसी करें जिससे शरीर में कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो सके। देखिए 29 सितंबर को प्रतिवर्ष एनपीसीडीएस प्रोग्राम के अंतर्गत ये विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य यही है कि आज के समय में युवाओं में हृदय रोग की संख्या ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि बदलती लाइफस्टाइल की वजह से जो आज एक युवाओं में जो 50 साल के बाद जो हार्ट अटैक देखा जाता था वो आज लेकिन आज 25 से लेकर 40 साल के मध्य में देखा जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है इसमें लोगों का दिनचर्या बहुत गंदा हो गया, खान पान बहुत गंदा है, लोगों को फास्ट फूड जंक फूड इस तरह की चीज़ें खाना, शरीर में व्यायाम की कमी, नींद पूरी ना लेना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अत्यधिक प्रयोग करना, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो आज के युवाओं में सबसे ज़्यादा प्रभाव है और जिसकी वजह से हृदय रोग सबसे ज़्यादा युवाओं को देखने को मिलता है। इस अवसर पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर कपिल यादव, डॉक्टर कुलदीप यादव समस्त डॉक्टर व हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद रहा।